हमारी इस दुनिया में टोटल 5 बड़े ओशन मौजूद हैं, जिनमें से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। ये ओशन इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया के सारे बड़े कॉन्टिनेंट फिट आ सकते हैं। पैसिफिक ओशन तकरीबन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये ओशन हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, और इतने बड़े ओशन में अगर कोई गलती से गुम हो जाए तो इसे ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। ऐसी ही एक गलती जोश सेल्वाडोर अल्वारना नामी एक शख्स से हुई थी, जो पैसिफिक ओशन में जाने के बाद गुम हो गया, और वो भी 2 या 3 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, ये शख्स 14 महीनों तक अकेला पैसिफिक ओशन में आखिर जिंदा कैसे रहा और किस हाल में, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक समंदर है, जहां दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं। इस ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड हैं, और वो भी इतने छोटे हैं कि इस आलीशान समंदर में सिर्फ एक डॉट के बराबर नजर आते हैं। इन आइलैंड्स पर कोई भी इंसान आज तक नहीं गया। जिस समंदर में आइलैंड डॉट की तरह नजर आते हो, वहाँ अगर कोई शख्स घूम जाए तो इसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। मगर ये बात तब गलत साबित हुई जब एक शख्स को समंदर के अंदर से 14 महीनों के बाद जिंदा रेस्क्यू किया गया। जोश एल्बर्टो नामी ये शख्स अपनी एक छोटी सी बोट में पैसिफिक ओशन में गुम गया था पूरे 14 महीनों के लिए। मगर जोश एल्वाडोर पैसिफिक ओशन में लेने क्या गया था, इस सब की शुरुआत शुरू होती है 17 नवंबर 2012, जब जोश एल्वाडोर और इसका एक दोस्त फिशिंग करने के लिए समुद्र में सिर्फ एक दिन के खाने के साथ और एक फिशिंग बोक के साथ अपनी बोट में रवाना होते हैं। मगर इसे क्या पता था, ये दिन इसकी जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन होने वाला है। जैसे ही ये लोग साहिल से दूर गए, कुछ ही दूर इन्होंने अपना मछली पकड़ने वाला जाल पानी में बिछा दिया। जोश एक बहुत ही एक्सपर्ट मछेरा था, जो इस वक्त 36 का था। ये शख्स बड़े ही आराम से मछलियाँ पकड़ रहा था और इन्हें अपने मछली के बॉक्स में रख रहा था कि अचानक एक खौफनाक तूफान इनकी तरफ आने लगता है। जोश अपनी जान बचाने के लिए इस बोट को फुल स्पीड में चलाता है और तूफान से बचने की पूरी कोशिश करता है। कड़ी मेहनत के बाद जोश इस तूफान से बचकर तूफान से काफी दूर निकल आता है। जब इन्होंने पीछे मुड़कर तूफान को देखा तो वो समुद्री तूफान को काफी दूर छोड़ आए थे, मगर जाने अनजाने में वो साहिल से काफी दूर निकल आए थे, जहाँ दूर दूर तक किसी किस्म की जमीन का भी नामो निशान नहीं था। मगर फिर भी ये लोग इस उम्मीद में आगे बढ़ते रहे कि वो साहिल तक दोबारा वापस पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते इन लोगों को अब 6 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका था, मगर किसी भी किस्म की जमीनी टुकड़े का कोई भी नामो निशान नहीं था कि अचानक जोश की बोट का इंजन भी खराब हो जाता है। मगर किस्मत से इनकी बोट पे एक रेडियो मौजूद था, जिसका इस्तेमाल करके जोश ने अपने बॉस को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा। मगर अब ये इनकी बुरी किस्मत समझे या इनकी कुताही, कि इस सिग्नल के बाद इनका रेडियो भी बंद हो जाता है। अब जोश और इसका साथी इस वीरान समंदर में एकदम अकेले थे। दूर दूर तक पानी ही पानी था, किसी किस्म की कोई भी जमीन नजर नहीं आ रही थी, और साथ ही साथ तेज समुद्री हवाएं इनको समुद्र के और अंदर ले जा रही थी। और देखते ही देखते जोश और इसका साथी साहिल से 450 किलोमीटर दूर आ चुके थे। इनका बचना अब लगभग नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि अब ये लोग समुद्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर तरफ पानी ही पानी था, और बदकिस्मती से इस हिस्से में से कोई भी समुद्री जहाज भी नहीं गुजरता था जो इन्हें रेस्क्यू कर ले। जोश और इसके साथी को समझ आ चुकी थी कि अब इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि ना इनके पास पीने के लिए साफ पानी था और ना खाने के लिए खाना, और जो ये खाना और पानी अपने साथ लाए थे वो काफी देर पहले ही खत्म हो चुका था। मगर इन्होंने फिर भी हिम्मत ना हारी। जोश और इसके साथी ने अब समुद्र में से मछलियों को पकड़कर जिंदा कच्चा खाना शुरू कर दिया। इनका खाने का इंतजाम तो इन मछलियों से हो जाता था, मगर पीने के लिए पानी का मिलना बहुत ही मुश्किल था। इनके आसपास हर तरफ पानी ही पानी था, मगर समुद्र का पानी खारा होता है, जिसे इंसान पी नहीं सकता, क्योंकि इस पानी को पीने से इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए जोश और इसका दोस्त जब बारिश होती तो बारिश का पानी अपनी बोट पे मौजूद मछली वाले डब्बे में इकट्ठा करने लग जाते, जो ये अपने साथ लेकर आए थे। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं, मगर कोई भी इनकी मदद को ना आया। जोश और इसके साथी को पैसिफिक ओशन में अब घूमे 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था। इतना लंबा वक्त समुद्र में गुजारने के बाद अब जोश के साथी की हिम्मत टूट चुकी थी। वो जान चुका था कि इनको कोई भी बचाने नहीं आएगा, इस वजह से इसने समुद्र में कूद कर अपनी जान ले ली। अब जोश एल्वाडोर सिर्फ अकेला तन तनहा इस समुद्र में मौजूद था। इसकी हिम्मत भी आहिस्ता आहिस्ता टूटने लग चुकी थी कि अचानक एक समुद्री जहाज इसे समुद्र में जाता हुआ नजर आया। कई महीनों के बाद जोश को उम्मीद की एक किरण नजर आई। जोश ने इनको कई तरह से इशारे करने की कोशिश की, कई तरह के हरबे अपनाए, मगर इसकी बोट इतनी छोटी थी कि वो किसी को भी इतने बड़े समुद्र में नजर ही नहीं आ सकती थी। और हुआ भी कुछ ऐसा, जोश
उसने कई इशारे किए इन्हें, मगर जहाज के क्रू ने इसे ना देखा और जहाज आगे चला गया। और ये वो वक्त था जब जोश के जिंदा वापस जाने की उम्मीद पर पानी फिर चुका था। 11 महीने अब जोश को समुद्र में गुम हुए हो चुके थे और जोश सेल्वाडोर 8000 किलोमीटर साहिल से दूर आ चुका था। अब तो इसकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी और बाल भी इंतहाई लंबे हो चुके थे और जोश को नहाए भी अब 8 महीने हो चुके थे। 3 जनवरी 2014 की सुबह जोश सेल्वाडोर के लिए अब बहुत ही अहम होने वाली थी। जोश अपनी छोटी सी बोट में सोया हुआ था कि अचानक जब इसकी आंख खुली तो इसने समुंदर में नारियल तैरते हुए देखे। इसका मतलब ये था कि इसके आसपास कोई आयलैंड है जहां से ये नारियल टूटकर समुंदर में गिर रहे हैं। जोश ये देखकर खुशी से समा नहीं रहा था। इसने जब गौर से देखा तो दूर एक आयलैंड इसे नजर आया। जोश ने उसी वक्त समुंदर में छलांग लगाई और तैरता हुआ उस आयलैंड पर पहुंच गया। कई महीनों के बाद जोश ने जमीन पर कदम रखा था और जब इसने कदम रखा तो इससे चला ही ना जा सका, मगर जोश ने हिम्मत दिखाई और चलने की कोशिश की और वो चलने लग पड़ा। थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद जोश को एक बीच हाउस मिला जहां इसने 12 महीनों के बाद एक शख्स से हाथ मिलाया, जिसके बाद जोश को इस आइलैंड से वापस इसके घर पहुंचा दिया गया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।